हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो प्रेस्टीज कंपनी के इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर में रहेगा। दोस्तों, आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये जो प्रेस्टीज कंपनी का इंडक्शन कुकटॉप का आप मेन पीसीबी और डिस्प्ले कंट्रोल पैनल जो आप देख रहे हो, ये दोस्तों जो प्रेस्टीज कंपनी का जो एलपीजी का गैस स्टोव आता है, यानी जो चूल्हा आता है, ओके, उसी का इंडक्शन कुकटॉप है और उसी के अंदर में इंस्टॉल हुआ रहता है। और इसका डिस्प्ले कंट्रोल पैनल है, यानी समझ लो उसमें तीन बर्नर होती है जो एलपीजी से चलती है और एक इंडक्शन कुकटॉप होता है जो हमारा बिजली से चलती है, ओके। तो सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं आप लोग से ये उम्मीद करता हूँ कि सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम को आप समझेंगे और प्रॉब्लम को समझने के बाद अगर किसी भी चीज़ को रिपेयर करेंगे तो आसानी से रिपेयर होता है। तो सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले इसको मैं सप्लाई दे दिया। अभी सप्लाई देने के बाद आपको पता होगा कि हम यहाँ से ऑन करेंगे, ये जो आपका ऑन का यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ से ऑन करेंगे, इसको ऑन होगा इंडक्शन कुकटॉप का। यहाँ से 1200 वाट से यहाँ पे आ रही है और फिर से यहाँ पे डॉट डॉट आ रही है, यानी कुल मिला के हमारा इंडक्शन कुकटॉप अभी स्टैंड बाई में है। किस में है? स्टैंड बाई में है। स्टैंड बाई के बाद में दोस्तों क्या होता है कि हम ऐसे ऑन करते हैं तो ऑन पोजिशन में होगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ऑन पोजिशन में अभी फिर से हमारा स्टैंड बाई में चला जा रहा है। प्रॉब्लम को आप समझने की कोशिश करो, यानी इंडक्शन कुकटॉप अभी हमारा स्टैंड बाई में है, हम इसको ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑन भी हो रही है, डिस्प्ले में वाटेज भी आ रही है, लेकिन डिस्प्ले में वाटेज आने के बाद में मेटल सेंस करने की यहाँ पे एरर आना चाहिए, तो मेटल सेंस करने की एरर नहीं आ रही है और सीधे दोस्तों यहाँ पे वापस स्टैंड बाई में चली जा रही है। तो वीडियो में दोस्तों आपको कमेंट करना है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे कि कितने लोग इसका जो सही जानकारी दे सकते हैं और यहाँ पे कितने लोग इसको सही जानकारी दे सकते हैं कमेंट करके कि कौन सी सेक्शन की प्रॉब्लम होगी। आपको सेक्शन बता देता हूँ मैं, डिस्प्ले कंट्रोल पैनल। अगर आपको मान लो लगता है कि डिस्प्ले कंट्रोल पैनल का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करना कि सर डिस्प्ले कंट्रोल का पैनल है। अगर आपको लगता है मेन पीसीबी का प्रॉब्लम है तो आपको कमेंट करना कि सर मेन पीसीबी का प्रॉब्लम है। मेन पीसीबी में दोस्तों आपके पास मैं चार ऑप्शन देता हूँ, पावर सप्लाई, आईजीबीटी सेक्शन, टेम्परेचर सेंसर और माइक्रो कंट्रोलर। चार ऑप्शन आपके पास मिल गया, एक बार और नोट करेंगे, आईजीबीटी सेक्शन, पावर सप्लाई सेक्शन, टेम्परेचर सेंसर और माइक्रो कंट्रोलर, ओके। ये चार ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, अभी आपको कमेंट करके बताना है। मेरे को उम्मीद है दोस्तों कि जितने लोग इस मेरे से जुड़े हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कमेंट करके बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो प्रॉब्लम है, मेरे को पहली बार ऐसा प्रॉब्लम मिला है, हो सकता है कि आपको भी किसी को मिला हो, तो आप कमेंट करेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे कमेंट आपका आएगा उसके बाद मैं इसका वीडियो आपको बता दूंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या था। थैंक्स फॉर दोस्तों वीडियो देखने के लिए, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।